राम राम। अगर तुम्हारा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, यकीन मानो आज 10 मिनट का एक ऐसी थेरेपी तुम लोगों को देने वाले हैं, तुम लोगों को बताने वाले हैं, जिससे कि हर एक का मन, अगर तुम्हारा आज मन 1 घंटे भी नहीं लग रहा था, कल से तुम यकीन मानो 8 से 10 घंटे बैठ सकते हो अगर ये 10 मिनट की चीज़ कर ली तुमने। सबसे पहली चीज़ यार ये समझो कि जब तुम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न ये है, अभी तक जो तुम कंज्यूम कर रहे थे वो था गोबर, जो कि था सोशल मीडिया या फिर अदर फॉर्म में भी। तो वो जो दिमाग में गोबर भर रहा है, अब गोबर से कमल नहीं खिलेगा। कमल मानते कीचड़ में खिलता है लेकिन गोबर में नहीं खिलता है। तो जब तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा हुआ है तो कुछ भी अच्छी चीज़ या फिर किताबें नहीं जाएंगी किसी कीमत पर, तुम चाहे जितना ज़बरदस्ती उसको बैठा लो। इसके लिए तुम्हें सबसे पहला करना होगा डिटॉक्स अपने दिमाग को। अब उसको करने के लिए करना पड़ेगा मेडिटेशन 5 से 10 मिनट का। सिंपल तुम्हें क्या करना है, एक कोई भी ऐसी जगह ले लेनी है जो कि प्लेन हो, जहाँ पे तुम सीधे बैठ सको। 5 से 10 मिनट के लिए अपने आप को वहाँ पे बिठाना है, ठीक है, बिठाना पड़ेगा क्योंकि तुम बैठ तो पाओगे नहीं इसे। 10 मिनट के लिए खुद को वहाँ, बस 10 मिनट के लिए कोशिश ये करनी है, ये अपने आप को एक टेस्ट देना है कि 10 मिनट हम इस जगह पर बैठेंगे और 10 मिनट तुम्हें क्या करना है, फ़ोन या फिर बाहर की आवाज़ें कुछ भी हो जितना कम हो सके उतना कम रखो और 10 मिनट उस जगह पर बैठो। सबसे पहले पहले क्या होगा, सबसे पहले पहले चीज़ें बहुत गंदी आएंगी दिमाग में, एक्सट्रीम लेवल पे गंदी आएंगी, ठीक है। दूसरे लेवल पे चीज़ें क्या कब होंगी, ये लेवल कब होता है, ये लेवल होता है 3 से 4 दिन के बाद। ये लेवल आता है कि दिमाग में फिर से और बेहतरीन गंदी चीज़ें आने लगती हैं, मतलब तरीके तरीके के फालतू की चीज़ें आती हैं जो हमारी लाइफ से रिलेट भी नहीं करती हैं, वो चीज़ें आएंगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है तुम्हारा दिमाग डिटॉक्स हो रहा है, डिटॉक्स होने के पहले जो सारी गंदगी है वो खींच के एक जगह लाई जा रही है। अब धीरे धीरे जो जब तुम ये प्रोसेस आगे बढ़ाते हो तो लास्ट प्रोसेस क्या आता है कि सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से डिटॉक्स हो जाती हैं और फिर तुम्हारे दिमाग में सही चीज़ें फिट होना चालू होती हैं। तो इस प्रोसेस में आपको लगते हैं 15 से 20 दिन, 1-2 दिन में चीज़ें नहीं हो जाती हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि 10 दिन के लिए इसी चीज़ पर तुम होल्ड करके रखो, मेडिटेशन में 10 मिनट के लिए डेली अपने आप को होल्ड करके रखो। 11वें दिन या 12वें दिन से चीज़ें इतनी अपनी तरफ आने लगेंगी कि तुम्हारा पढ़ाई में मन भी लगने लगेगा, चीज़ें तुम्हें समझ में भी आने लगेंगी और तुम्हारे दिमाग में चीज़ें बहुत देर तक सेट भी रहेंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा कल भूल गए, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ये करके ज़रूर देखना, ये मैंडेट है हर एक एस्पिरेंट के लिए कि डेली 10 मिनट का मेडिटेशन ज़रूर करना है, ये कंपलसरी है। राम राम, जय हिंद।